फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एरा लाइफ स्टाइल एंड इट्स बी एरा जॉर्ज आपके साथ एक न्यू वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लू हुआ हुआ है और मेरी आवाज़ बहुत ही दबी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और सेकंड मैं बता दूं, ये मैंने जो टी शर्ट पहनी है इट्स फ्रॉम शीन और इसका अभी अभी मैंने टैग उतारा था, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, दिस वन एंड देन इसको हम फेंकते हैं। अब आ जाते हैं मेरे न्यू कंटेंट पे, जो मैंने सोचा जैसे आजकल विंटर सीज़न आया हुआ है तो विंटर में हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रहे और जब हम मेकअप भी करें तो वो ज़्यादा ज़्यादा ड्राई ना लगे, ज़्यादा मतलब हमारी स्किन जो है वो पैची ना हो जाए, बिकॉज मोस्टली ज़्यादातर ये विंटर्स में ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि जो हमारा जो मेकअप है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा पैची हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है और जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता हमारे मेकअप में। हाँ जी, तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम अपना स्किन को मॉइस्चराइज भी रख सकते हैं विद मेकअप। और हम यूज़ करेंगे उसके लिए क्रीमी प्रोडक्ट, फाउंडेशन तो होता ही क्रीमी है, बट उसमें हम एक चीज़ माइनस कर देंगे जो कि है फेस पाउडर। फेस पाउडर हम नहीं यूज़ करेंगे, हम उसकी जगह यूज़ करेंगे क्रीमी फाउंडेशन, क्रीमी ब्लश ऑन, क्रीमी हाइलाइटर्स। और इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा मेकअप कैसा लगता है और बचत भी हो जाती है, लाइक विंटर सीजन हमारा फेस और ज़्यादा ग्लो लगता है, दैट इज़ रियली नाइस। और मैं बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हो तो कोशिश करें कि मोस्टली अपने जो मेकअप है वो क्रीमी बेस में यूज़ करें, ना कि ड्राई बेसिस में। और हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं लगा लेते हैं अपना हेयर बैंड कि जो बाल है मेरी जुल्फे में मेरे मुंह पे ना आए। ये हमने लगा लिया हमेशा की तरह। आप भी बोलते हो कि क्या रोध हो के एक ही हेयर बैंड ये यूज़ करती है, मेरे पास एक ही हेयर बैंड है और मैं वो ही यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, ये मैं शुरू से आपको बताती आई हूँ, दिस वन इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र, आप भी यूज़ करें। इसके अंदर विटामिन सी होती है और विटामिन सी इज़ रियली गुड फॉर जिनके फेस पे एक्ने नहीं है, उनके लिए विटामिन सी बेस्ट है। तो लेट्स गो, ये है कुछ येलो टाइप की, इसमें हम लेते हैं बहुत सारा और लगाते हैं अपने मुँह पे। तो फ्रेंड्स, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया और टाइम सेव करने के लिए मैंने अपने आईब्रोज भी बना लिए। ये क्रीमी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो है स्किन फुल कवरेज फाउंडेशन, स्किन बाम, जो कि शीन की है, बिकॉज आई लव शीन प्रोडक्ट्स। और चले मैं, और ये मेरा जो शेड है वो है पीच। चलते हैं और इसको लगाते हैं। इसको मैं लगाऊंगी, पहले मैं फिंगर से इसको लगाऊंगी, बिकॉज फिंगर से पहले अप्लाई करके हम इसको थोड़ा सा ऑयली करेंगे। ये देखिए बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने फेस पे पूरा अप्लाई कर लिया है लेकिन अभी तक मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया। वो क्यों नहीं किया मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज मैं यूज़ करूँगी मेकअप फिक्सर, क्योंकि दिस इज़ बेस्ट फॉर ब्लेंड योर मेकअप और इसमें एक शाइन सी रहती है अलग सी, और उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। बस ओनली 3 pumps, जिस तरीके से मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एंड ऑल। उसके बाद हम अपने बीबी ब्लेंडर पे आ जाएंगे, ये भी शीन का है, और हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। वो मेरा फाउंडेशन है वो लग गया है, इट्स अ बाम, अगेन आई एम रिपीटिंग, लग गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर अंडर योर आई, क्योंकि जो आई मेरा एरिया है वो थोड़ा सा बहुत डिफरेंट लग रहा है, बिकॉज रेडनेस आई हुई है, नोज़ पे रेडनेस आई हुई है बिकॉज फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये कंसीलर, और कंसीलर हम बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करेंगे, नॉट टू मच, और ये थोड़ा सा येलो बेस में है बिकॉज इसको मैं कभी कभार एज अ फुल कवरेज भी फेस पे लगा लेती हूँ। बस इतना सा हम यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट नीड टू मच।
नाउ यू कैन सी द डिफरेंट। हमारा फाउंडेशन भी हो गया, कंसीलर भी हो गया। इसके बाद हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अपना ब्लश ऑन। इट्स अ ब्लश ऑन, ये भी शीन का है, शी ग्लैम। और इसका जो नंबर है, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ नेम, इट्स अ लव केक। इसको हम यूज़ करेंगे। दिस वन इज़ ऑल्सो क्रीमी वन। और इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, और देखते हैं कि कैसा लगता है। तो एज यू कैन सी, लाइक अब मैंने ब्लश ऑन भी लगा लिया एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अगर मैं थोड़ा सा और करीब होकर आपको दिखाऊं तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड ग्लोइंग। ये थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है फेस पे, बिकॉज ये सारे के सारे क्रीमी बेस हैं जो विंटर्स में हमारी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज रखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा आई लाइनर और मस्कारा लगा के आई विल कम बैक। तो गाइज, इसके बाद मैंने थोड़ा सा काजल लगाया और हल्का सा मैंने मस्कारा लगाया है एंड इट्स ऑल। मैं कोई वो नहीं लगा रही, क्या कहते हैं, आई शेडोज नहीं लगा रही, ओनली आई थिंक दिस मच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। और अगर आपको ज़्यादा कुछ अफेक्ट्स देना है तो आप हाईलाइटर बीच में ऐड कर लें और थोड़ा डार्क लिप शेड ऐड कर लें। और हाईलाइटर भी मैं आपको दिखा दूँ, छोल छोल लिक्विड, और ये भी शी ग्लैम से है। थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा। बाद हम लेंगे बीबी ब्लेंडर। नाउ यू कैन टेल हाउ इट्स लुकिंग, ये कैसा लग रहा है। इसके बाद जो मेरा लिप शेड है वो मैं ज़्यादा डार्क शेड नहीं यूज़ कर रही, मैं बस ये न्यूड यूज़ कर रही, ये वाला कलर बस। वैसे तो मेरा रेड लगाने को बहुत दिल कर रहा था, बट आई विल नॉट पुट दैट, आई विल पुट दिस वन और लगा के फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि न्यूड है बिकॉज बॉटल पे तो ये बहुत ज़्यादा न्यूड लग रहा है, बट जब मैंने अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा डार्क है, मतलब न्यूड से थोड़ा सा डार्क है, बट इट्स नॉट टू मच डार्क, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और आप मेरा मेकअप देख सकते हैं, इट्स लुकिंग वेरी ग्लोई और बहुत स्मूथ लग रहा है बिकॉज मैंने कोई भी पाउडर फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। बट एक और बात है जो मैंने आपसे शेयर कर दी है, आईज़ के ऊपर हल्की सी क्रीज अगर आपको लगे कि आ रही है, जो कि आती है, किसी के स्माइली एरिया में आती है, किसी के आईलेट पे आती है, क्योंकि मेरे तो आईलेट पे आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप थोड़ा सा फेस पाउडर या लूज़ पाउडर लेके आप अप्लाई कर सकते हैं हल्का हल्का सा, कि मतलब जो क्रीज है या कुछ भी है वो गायब हो जाए। और ना यहाँ नोज़ के साइडों पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ना तो यहाँ पे क्रीज आती है, ना तो ये स्माइल लाइन में भी नहीं आती, बस मेरे यहाँ पे क्रीज आती है। आई डोंट नो व्हाई, शायद बुढ़ापे की निशानी है, बट इट्स ओके, दिल जवान होना चाहिए इंसान का। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें मेरे इस कंटेंट को। और लव टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर, लव एंड सपोर्ट।